अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। तो चलिए आज मैं फिर से आई हूँ एक बहुत ही ब्यूटीफुल सुंदर सी कुर्ती के साथ में। तो आज कटिंग होगी, किस तरह से होने वाली है, कैसे हमारी स्टूडेंट जो है कैसे उसकी मतलब कटिंग करते हैं। तो चलिए हमारे साथ बने रहे, हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर। देखो ढाई मीटर है क्या, पहले मेजर करो, सेंटीमीटर देखो, जहाँ पे 100 सेंटीमीटर आ रहे हैं ना वहाँ पे आप रुक जाओ, टाइट पकड़ो कपड़े को। हाँ वही तो बोल रही हूँ ना कि मुझे कम कपड़ा लग रहा है वो मैडम, 100 सेंटीमीटर। अब उसको डबल करके देखो, मेजर निकाल लो। वही तो बोल रही हूँ, लगा सकते हो मैडम लेकिन अच्छा नहीं दिखता। पहले ये देखो, ये 2 मीटर से कपड़ा ज्यादा है, ये कुर्ते का कपड़ा है मैडम। सलवार का है? सलवार का नहीं है, सलवार सीन बैठेगा, इसीलिए तो उतना कपड़ा एक्स्ट्रा दिए ला है ना। ये घड़ी देखो पहले मैडम कितनी लंबी है, भरपूर कपड़ा, ये कुर्ते का है। आई ना शॉर्ट टर्म और नीचे लेके जाओ और नीचे ले, घुटने के नीचे लेके जाओ। 36 कहाँ आ रहा है, अभी ये पूरा ले लो, वहाँ पे मार्किंग करो चौक। हाँ अब इसको सीधा लाइन मारो, हो गया। अभी आस्तीन का हमारा निकल गया, ठीक है, अब उसको रख दो बाजू में। अब इसमें आपको डायग्राम करना है, खुद से अपने मेजर लो कितना आपको चाहिए, थोड़ा सा शॉर्ट होगा लेकिन अच्छा होगा। फिटिंग वगैरह सब लो, स्केल कितना आपने लिया था, इतना पूरा लंबाई, पूरा जितना है कपड़ा पूरा ले लो। कितना लिया स्केल का, 7 इंच ना, हाँ चौड़ाई भी 7 लंबाई भी 7। हाँ सीधा करो, ये बाजू देखो फोल्डिंग में दिखाई दे रहा है, जरा खड़े रहो। हाँ मस्त हुआ, ठीक है माशाल्लाह। अभी क्या करूँ, जैसे मैं बिस्मिल्लाह मैम को दिखाई थी, हाँ ऐसा फोल्डिंग करो, 1-2 बार ऐसा बारीक लेने को पहले अंदर, फिर उसके बाद बड़ी लेने का। हाँ 36 आ रहा है तो आपको 27 या 28, 36 लेती हाँ, बहुत टाइट होता पेंट। हाँ अभी 28 का 4 भाग करो, 36 आ रहा है ना, 36 आ रहा है तो 36, 27, 28 का मैं बोल रही हूँ, 28 पे लो और उसको 4 भाग करो। 11 ना, हाँ 11.5 से कितना छोड़ना, 14 पे ले लो, 11.5। छाती का कितना लिया हुआ है, छाती का कितना, 13 है ना, हाँ 11.5 लूँ के 12 ले लो, ठीक है फिटिंग में जाने वाला वैसे भी है ना, ठीक है। अभी हिप 19 पे ले लो, आपको समझ में आ रहा है मैडम फिर भी पूछ रही हैं आप, इतना ही ना, छाती का है ना उतना, उसे 1 इंच ज़्यादा भी रख सकते हो आप। 13 13.5 बोली थी मैडम मैंने, लूज रहेगा चलेगा लेकिन टाइट नहीं होना मांगता है। इसमें भी 13.5 हाँ, पहले घेर का ले लो चौड़ाई वगैरह 18, हाँ 18 पे रखो। छोटा नहीं लेंगे ना, नहीं नहीं ना नहीं फैलेगा, खोलने पे डबल होगा, मेजर से इसको मिला दो। अभी वो उसको मिला, हाँ उसको मिला, सबका 3 ही आता है, जो मोटे रहते हैं उनको 3.5 भी आएगा, जो पतले रहेंगे उनका 2.5 आएगा। वो 2 सेंटीमीटर रहता पेपर में, इसमें 1 इंच आएगा, 1 इंच एक ही इंच, हाँ क्योंकि उसमें 2 सेंटीमीटर था ना मैडम, हमने दिखाया होता पेपर में, दिखाई थी पेपर का 2 सेंटीमीटर और कपड़े का 1 इंच आता है, ठीक है। अभी गोलाई दूँ ना, हाँ गोलाई दे दो, हाथ से दूँ क्या पट्टी से, हाथ से दे दो, हाथ से आई तो और अच्छी बात है ना, हाथों से फिनिशिंग आनी मांगती है, अंदर से ले जाओ, अंदर 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 से ले लो एकदम अंदर, हाँ संभाल के करेगी तो भी पाकड़ा तिकड़ा ही हो रहा है, नहीं अच्छा हो रहा है, सेफ नहीं आ रहा। बराबर है, हाँ बराबर, अब सीधा कटिंग करके ले जाओ, इस बार घेर आपको अच्छी मिलेगी। हाँ इसको मेरे को ऐसा दिमाग में बैठना नहीं।
हाँ ये बैठा ना, आपको बैठा है तभी तो आपको समझ में आया ना मैडम, अच्छे से बैठे लाए। हाँ कितना अच्छा किया हुआ है, थोड़ा सा शॉर्ट आएगा लेकिन अच्छा हुआ है, बराबर बराबर परफेक्ट। अभी गला निकाल लिया, कितने मेरा करूँ, 8 पे पूरा मैं लूँगी। हाँ 8.5 में लेती हूँ, वो सही रहेगा वो कटिंग में। कितना ली हूँ लंबाई, 8.5 3 इंच चौड़ाई, हाँ 5 इंच। हमारा स्केल पूरा रेडी हो गया, ठीक है। कपड़े पे मार्किंग करके डायग्राम करो, नहीं समझा तो बता दी। हाँ 7 पर ही लो, हो गया। सोफिया मैम का आज हुआ सलवार, हो गया। अब उसके अंदर है ना मैडम, डिजाइन करो ऐसा ऐसा निकाले, ऐसा हाँ ऐसे दिमाग में बैठाने का। बराबर आया, बराबर आया मैडम सच में। कटिंग करो अभी, इतना अच्छा कटिंग कर रहे हो, फैशन डिजाइनर बन गए। बनेंगे जल्दी इंशाल्लाह, बन गए क्या बनेंगे मैडम, इतने अच्छे अच्छे ड्रेस आपने बनाया हुआ है। नहीं आया, दिखाओ, रखो नीचे रखो ना मैडम, इतना प्यारा दिख रहा है, प्यारा दिख रहा है, इतना सुंदर लग रहा है। अंदर गया। नहीं नहीं सही है, सेफ आया। हाँ चलेगा, और अच्छा है लाए, इतना बेहतर निकाला हुआ मैडम, कितनी देखो बोल रही हैं, फैशन डिजाइनर बनने के बाद भी बोल रही हैं। हाँ क्या अच्छा नहीं कर रही हूँ, अभी बैक साइड का करने जा रही हैं। 7 नहीं आएगा, 6 ले लो, 6 सही रहेगा, बड़ा नहीं महंगा ना। नहीं नहीं 6 पे परफेक्ट आएगा गला। मैडम इसके अंदर छोटा गला निकालने का रहता है क्या? नहीं निकालना रहता है, लेकिन अभी 7 पे ही करके ले लो, बाद में अलग अलग करो। कैसे मैडम कर रही है? अरे ये वाली पट्टी बस है ना, ये चौड़ाई 3 तीन ही चाहिए मैडम, 3 है 3 ले लो, वही ऐसा ही ना, ये अंदर डालने वाले। देखो बराबर है, हाँ बराबर किए माशाल्लाह, गोलाई अच्छे दिए हो ना, देखो गोलाई नहीं। ये देखो बैक साइड का गला इधर हो गया। आज सूफिया मैम सिखाएंगी ताइबा मैम को कि कैसे आस्तीन बिठाते हैं। मेरी न्यू टीचर, हाँ लीडर है हमारी क्लास की लीडर, सूफिया मैम बन गए, वेरी गुड। अच्छा ये बताओ बताओ मैडम बताओ, आएगा वो सामने आएगा ना आगे वाले साइड, ये छोटा कट, समझा अभी समझा ना, ऐसा ना, ओके थैंक यू। बराबर इतना बड़ा आस्तीन नहीं चलेगा क्या आपको? छोटा नहीं लेगा, इतना होगा 3-4 होगा। क्लास छूटा तो मैं थोड़ी देर बैठूंगी, मुझे बाहर जाने का है, फोन आएगा तो मैं जाऊंगी। अच्छा किधर जाना है? वो मेरी मतलब घर वाले आते ना। हाँ हो गया, अभी दोनों बाजू को अलग अलग करो। एक राइट साइड में रखो, एक लेफ्ट में रखो मैडम। हाँ आस्तीन जो हमारा सामने वाला हिस्सा है, फ्रंट वाला अगला वाला मतलब, उसमें आपको 1/2 इंच मतलब 1/2 इंच सेप देना है। ये देखो मैडम ऐसा है ना, इसको पकड़ो इधर और यहाँ पे ऐसे इसको रख के इधर से कटिंग करना है, वैसे बहुत सुंदर लगेगा, लेकिन कट बाजू जाएगा। वो इतना बड़ा गला, अरे वो बड़ा लग रहा है मैडम, कितना परफेक्ट है गला, बहुत अच्छा बनाया है मैडम ने, बनाए मस्त डिजाइन। देखो और सिलने के बाद ऐसा जाने वाला है, हाँ ऊपर जाएगा, ऊपर से लगता है ना इतने मतलब बड़ा। हाँ नहीं वो मैंने नीचे पकड़ी हुई थी ना, ऐसे पकड़ो और इसको, हाँ ऐसे ऐसे टच नहीं लगा के ले लो पहले। हाँ पिन लगा दो, इधर भी लगाओ ना कोने पे। अभी उसमें डायग्राम बनाओ, डिजाइन 2-2 इंच पे। इधर से कट करूँ मैडम? हाँ कट कर दो। ये क्या है? ट्रायंगल डिजाइन, ट्रायंगल निकलने लगा है बट ये जब पूरा लुक आएगा ना इसका, फिर देखो कैसा दिखेगा, बहुत सुंदर दिखने वाला है, परफेक्ट माप का। उन्हें अच्छा अच्छे कपड़े लाए हैं दोनों ने भी ना? अच्छे लाए, हाँ मस्त मस्त कपड़े लाए।